अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रू तड़पती रहे दिल मचलता रहे, जिंदगी का मजाए के हर सांस से, जिंदगी का मजा है के हर सांस से। या का मजा है के हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। ये तो माना के जन्नत है बागे हसी, ये तो माना के जन्नत है बागे हसी, खूबसूरत है सब कुल्द की सरजमी। उसने जन्नत को फिर जब समेटा गया, उसने जन्नत को फिर जब समेटा गया, सरवरे अंबिया की गली बन गई। दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रू तड़पती रहे दिल मचलता रहे, जिंदगी का मजा है के हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। जब छिड़ा तस्किरा उनके रुखसार का, जब छिड़ा तस्किरा उनके रुखसार का, वदुहा पढ़ लिया वल खमर कह दिया, सूरतों की तिलावत भी होती रही, सूरतों की तिलावत भी होती रही, नात भी हो गई बात भी बन गई। दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रू तड़पती रहे दिल मचलता रहे, जिंदगी का मजा है के हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। सबसे साइम जमाने में माजूर था, सबसे साइम जमाने में माजूर था, सबसे बेकस था बेबस था मजबूर था, उनको रहमा गया मेरी हालात पर, उनको रहमा गया मेरे हालात पर, मेरी अजमत मेरी बेबसी बन गई। दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रू तड़पती रहे दिल मचलता रहे, जिंदगी का मजा है के हर सा
सांस से जिंदगी का मजा है के हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال نبينا رسولنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طہٰ وہی فرقان وہی स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए कराम हमारे दीगर असातिज़ा निज़ाम सियासी दानिश्वरान कायदीन और मेरे सामने रशीद फरमा मोमिन हमारे मुसलमान भाइयों, आज के दिन हमारे मुल्क में अल्लाह के नबी हम सबके पेशवा हम सबके आका हम सबके सरदार इमामों के इमाम सरदारों के सरदार लीडरों के लीडर रसूलों के रसूल नबियों के नबी सैयदुल कौनैन ताजदार मक्की मदनी अहमद मुस्तफा सैयदना मोहम्मद मुस्तफा खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल थकलैन नबीयुल हरमैन साहिबुल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी याद के तौर पर मनाया जाता है। मुसलमान की जिंदगी का सबसे पहली सांस और मुसलमान की जिंदगी की सबसे आखिरी सांस का दूसरा नाम मोहम्मद मुस्तफा से इश्क है, मोहम्मद मुस्तफा से ताल्लुक है। ईमान मोहम्मद मुस्तफा से शुरू होता है और ईमान मोहम्मद मुस्तफा पे जाके खत्म होता है। पूरी दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान मोहम्मद मुस्तफा के इत्तेबा करने वाले आपके इश्क का दम भरने वाले आप पर ईमान लाने वाले आप पर अपनी जान निछावर करने वाले आपको अपना पेशवा मानने वाले 200 करोड़ तक पाए जाते हैं। और आपसे जो इश्क है जो मोहब्बत है मुसलमानों की वो किसी दुनिया की दौलत के लिए नहीं है, दुनिया की इज्जत के लिए नहीं है, दुनिया की चाहत के लिए नहीं है, दुनिया के हौसलों के लिए नहीं है, बल्कि आपका जो इश्क है वो हमारे कल्ब से हमारे खून के खतरे खतरे से हमारे सांस के एक एक जर्रे जर्रे से निकलने वाला इश्क है जिसकी कोई कीमत जिसकी कोई कदम नहीं की जा सकती। एक जान है मुसलमान की, एक जान है सिर्फ मुसलमान की। अगर मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर मुसलमान को हजारों जानों दी जाए तो मुसलमान उन हजारों जानों को भी मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर देता है। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, मोहम्मद मुस्तफा से इश्क रखना
उनसे ताल्लुक का इजहार करना, उनके आल औलाद से मोहब्बत करना, उनसे इश्क का इजहार करना, ये सिर्फ हमारी जुबान नहीं, हमारा खतरा खतरा खून इसकी गवाही देगा। अव्वल से आखिर तक मुसलमान जीता है तो मुसलमान मोहम्मद मुस्तफा के लिए जीता है, मरता है तो मुसलमान मोहम्मद मुस्तफा के लिए मरता है। बड़ी सआदतमंदी और खुशी और मसरूत की बात है कि मुसलमान को अल्लाह ने इसकी तौफीक दे रखी है। ये वही नबी है, ये वही रसूल है, यही पेशवा है, इनकी पेशवाई के जेर साया आने के लिए अंबियाए कराम ने आदम से लेकर ईसा तक दुआएं मांगी थी, दुआएं मांगी थी कि हमको अपनी इस नबूवत के बदले में मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में जगह दे दी जाए। हम कितने सआदतमंद हैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम कितने बड़े लोग हैं और कितने इज्जत वाले हैं कि बगैर मांगे बगैर पूछे अल्लाह ने हमको मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में जगह अता फरमाई, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाया, उनके जेर साया रहने की सआदत बख्शी, उनका मुबारक मुकद्दस मुतहर नाम हमारी नापाक जुबानों पे लेने को इबादत बनाया। हर लम्हा सुबह में उठता है मुसलमान तो दरूद शरीफ पढ़कर मोहम्मद मुस्तफा के गुलामी का दम भर के उठता है, और सोता है तकिए पर अपना सर रखता है तो फिर याद करता है तो मोहम्मद मुस्तफा को याद करके अपना सर तकिए पर डालता है। रात के अंधेरे में ख्वाब देखता है तो तमन्ना होती है कि मेरे ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफा आ जाए। सुबह में उठता है तो देखता है, चलता है, फिरता है तो यही तमन्ना यही आरज़ू रहती है कि बस मोहम्मद मुस्तफा मेरे सामने आ जाए। अगर मोहम्मद मुस्तफा को नहीं देख सकता तो जिंदगी में तमन्ना करता है कि एक मरतबा मदीने तैयबा जाकर मोहम्मद मुस्तफा की मजार मुकद्दस पर हाजिर होकर, रौज़े अक़दस पर हाजिर होकर, कमली वाले के दरबार पर हाजिर होकर एक सलाम पढ़ने ही का तकद्दस मुझे हासिल हो जाए। यह मुसलमान का ईमान है जो कूट कूट कर पुकारता है और अंदर से उसे दावत देता है कि मदीना भी मैं देख लूं, और जो मदीना भी देखता तो फोटो लगा लेकर समझता है कि मदीना कम से कम यही बैठ के मैं देख लूं। ये उसका ईमान है, उसकी मासूमियत है, मैं इसकी इस मासूमियत को हजार सलाम पेश करता हूँ। बस ये अर्ज करना है मेरे अजीजों मेरे भाइयों, हमको अल्लाह ने जब बगैर मांगे इतनी बड़ी अजमत से नवाजा है, इतने बड़े दौलत दिया है कि अंबिया इकराम इस दौलत से महरूम रहे, उम्मत मोहम्मदिया को ये दौलत दी गई, इस दुनिया में भी मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेकर मुसलमान जीता है, मरने के बाद उठता है तो मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेकर उठता है, जन्नत में दाखिल होता है तो मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेकर जन्नत में दाखिल होता है। क्या बात है कि इतना आशिक, इतना मोहम्मद मुस्तफा को जानने वाला, मोहम्मद मुस्तफा को पहचानने वाला, आमद मुस्तफा पर अपनी जान को निशावर करने वाला, अपनी औलाद को कुर्बान करने वाला, अपने माल को निशावर करने वाला, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ने वाला, जब मौका आता है मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने का, जब मौका आता है मोहम्मद मुस्तफा के अखलाक को मानने का, जब मोहम्मद मुस्तफा के दीन की बात को सुनने की का मौका आता है तो शैतान मुसलमान पर हावी हो जाता है। उलमाए कराम अपने जलसों से, अपने तकरीरों से, अपने खुतबों से जुमा में हर दिन हर जुमा मीलाद मनाते हैं, हर जुमा मीलाद मनाते हैं, हर जुमा जुमा के खुतबे में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र करते हैं, हमें तालीम देते हैं कि ए मोहम्मद मुस्तफा के गुलामो, ए मोहम्मद मुस्तफा के मानने वालों, ए मोहम्मद मुस्तफा पर जान निशावर करने वालों, आज मोहम्मद मुस्तफा तुम्हारी औलाद के सिलसिले में दुआ दे रहे हैं, पुकार रहे हैं कि तुम औलाद का हक अदा करो, मोहम्मद मुस्तफा तुमको पुकार रहे हैं कि तुम अपनी बीवी का हक अदा करो, मोहम्मद मुस्तफा तुमको पुकार रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप का हक अदा करो, मोहम्मद मुस्तफा तुमको पुकार रहे हैं कि तुम अपने उलमा का हक अदा करो, मोहम्मद मुस्तफा तुमको बुला रहे हैं पुकार रहे हैं, तुम अपने पड़ोसी का हक अदा करो, मोहम्मद मुस्तफा तुमको बुला रहे हैं पुकार रहे हैं दावत दे रहे हैं कि तुम इंसान बनकर जियो, अपने अंदर मोहम्मद मुस्तफा के अखलाक को अपना लो, अपनी आदतों अपने अखबार को बदला लो, मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी में अव्वल भी कामयाबी है, आखिरत भी कामयाबी है, इस दुनिया की कामयाबी ही मोहम्मद मुस्तफा का नाम है, मरने के बाद की जिंदगी में कामयाबी मोहम्मद मुस्तफा का नाम है। एक दिन की ईद नहीं है, एक दिन का वक्त नहीं है, एक दिन की पुकार नहीं है, एक दिन की दावत नहीं है, हर लम्हा मोहम्मद मुस्तफा के गुलामी का नाम मुसलमान है।
और जीता है तो मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर, मरता है तो मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर, तो करता है तो हम कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर करना भी सी हमारी तजारत हो, हमारे आदात हो, हमारे अखबार हो, हमारे घर हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे मोहल्ले हो, हमारा सुबह से शाम तक, रात से दिन तक चलने वाला हर वक्त मोहम्मद मुस्तफा के तादे होना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अक्बरहु मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। और भाइयों, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं सुनो, कान खोल के सुनो, जिनके नाम पर तुम अपनी जान देते हो, मैं मुबारकबाद देता हूँ तुम्हारे इश्क को, मैं मुबारकबाद देता हूँ तुम्हारे इस जज्बे को, मैं मुबारकबाद देता हूँ तुम्हारे इस बलवे को, मैं सलाम करता हूँ तुम्हारे इस जज्बे को। मोहम्मद मुस्तफा क्या फरमाते हैं सुनो, आएगी घर की दूसरों पर कोई मोमिन मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक के वो अपने दिल के अंदर इश्क के उस जज्बे को, उस जज्बे को, उस आग को न जला ले, क्योंकि जो आग उसके माँ बाप से, उसके औलाद से, उसके हाउसवाइफ से बढ़कर मुझे चाहने वाली बन जाए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है मोहम्मद मुस्तफा को अपने औलाद से ज्यादा चाहते हैं, अपने माँ बाप से ज्यादा चाहते हैं, अपने हर हर जज्बे से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो मोहम्मद मुस्तफा के दूसरे इशारे को हम भुला देते हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना हुवाहु तबालिवाजी तुभी, उस वक्त कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता। फरमाया प्यारे नबी रसूल कायनात सरकार मदीना सैयद उन्होंने ताजदार मक्की उमदनी आदरणीय मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके तमाम ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत, मेरे लाई हुए तरीके के मुताबिक न हो जाए। शरीयत की बात हो, तरीकत की बात हो, हम पर जरूरी है कि हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलामी को अपना लें। बस हम यही कहते हैं मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा हमारी हर तारीफ से बालातर है। अल्लाह जिनकी तारीफ कुरान पाक में करे, अल्लाह जिन पर दरूद पाक कुरान पाक में नाजिल करे, अल्लाह जिनका नाम लेकर दरूद पाक पढ़ता हो, क्या वो हमारे दरूद के और हमारे सलाम के मोहताज है? हमारी बड़ाई है, हमारा बड़पन है, हमारे नाम हमारी नापाक जुबानों से मोहम्मद मुस्तफा पर दरूद पढ़ लिया जाता है, वरना मोहम्मद मुस्तफा पर कायनात का खालिक, पूरी सातों आसमानों सातों जमीनों का बादशाह, सारी कायनात जिसके इशारे से भरी है, वो मोहम्मद मुस्तफा पर दरूद पढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी, अल्लाह भी और सिर्फ अल्लाह ही नहीं, अल्लाह के फरिश्ते भी रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जिसका दरूद अल्लाह पढ़ता हो, जिस पर फरिश्ते हमेशा दरूद पढ़ते हो, और जिसके दरूद पढ़ने के लिए दुनिया भर में फरिश्तों को अल्लाह ने फायदा रखा हो, क्या वो हमारे दरूद का, हमारे सलाम का मोहताज है? नहीं, इसलिए दरूद पढ़ा जाता है कि हम दरूद से हमारी जरूरतों को पूरा करें, हम दरूद पढ़कर हमारी हाजतों को अल्लाह के पास मनवा लें, हम सलाम पढ़कर अल्लाह के रसूल के गुलामों में हम भी हो जाए। अजीजा मेरे भाइयों, हमारे नबी की इज्जत, हमारे नबी की अज़मत के लिए यह काफी है कि अल्लाह ने अपने कलाम पाक में कई कई मर्तबा अल्लाह का नबी का नाम लिया, अल्लाह के नबी को नबी पुकारा, रसूल पुकारा, मोहम्मद पुकारा, अहमद पुकारा, मुस्तफा नाम दिया, क्या क्या नहीं लिया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से हमारा इश्क, हमारा ताल्लुक, हमारा जज्बा ये कायम रहना चाहिए, इसको हम मगर एक दिन के लिए नहीं, 12 रबीउल अव्वल की शाम के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर लम्हे के लिए अल्लाह के रसूल का ताल्लुक और मोहब्बत कायम रहना चाहिए। जब हम उठे तो हम याद करें कि हमने अल्लाह के रसूल को कितना दरूद पढ़ा, कितना सलाम पढ़ा। आज हम कारोबार को जा रहे हैं तो क्या हमने दरूद पाक पढ़ा है? क्या हमने कुरान पाक पढ़ा है? क्या अल्लाह के रसूल को याद किया है? क्या हम सुबह उठे बिस्तर पर, बिस्तर से उठते के आदि हमने दरूद पाक पढ़ा है? पूछो अपने दिलों से, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो इसमें याद करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा का आशिक हो? जान देने की बात नहीं, माल देने की बात नहीं, इज्जत देने की बात नहीं, दौलत देने की बात नहीं, ख्वाहिशात पर चलने की बात नहीं, कम से कम दरूद पढ़ के तो बिस्तर से उठे।
कम से कम जरूरत पड़ गया तो बिस्तर से उठे, बिस्तर पर से उठते तो सबसे पहले हमारा हाथ टीवी की तरफ बढ़ता था, मोबाइल की तरफ बढ़ रहा है। और जब बिस्तर पर जाते हैं तो मोहम्मद मुस्तफा याद नहीं रहते और मोबाइल हाथ में रहते रहते देखते देखते मोबाइल बाल में पड़ा रहता है और हमको नींद आ जाती है। आज का मुसलमान तो इस पर रोया है। आज का दिन हम पे आज करना है कि हम हमेशा अल्लाह के रसूल को जिंदगी भर याद करेंगे। अरे आप लोग मोटा मोटा भी दिन पे अमल कर ले तो कम से कम सोते उठते बैठते चलते फिरते दुकान के अंदर जाते दुकान की कीली खोलते दुकान का कारोबार करते हुए कम से कम दरूद तो पढ़ लिया करो, अपने रसूलुल्लाह की गुलामी की गवाही तो दे दिया करो। क्या इतना भी हम नहीं कर सकते कि खड़े खड़े चंदरूद पे पाक के पहले में पढ़ लें? इतना भी हम नहीं कर सकते कि पांच वक्त नमाज के लिए हम हाजिर हो जाएं? इतना भी हम नहीं कर सकते कि मुसलमान को अल्लाह के रसूल की गुलामी के वास्ते से प्यारे नबी के गुलामी के वास्ते से इज्जत की निगाह से देख ले? क्या इतना भी हम नहीं कर सकते कि मुसलमान को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा करता है इजहार करता है कलमा पढ़ता है उसे देखकर हम दिल से मुसलमान मान लें? क्या ये काम करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं? क्या ये काम करने के लिए कोई दौलत की शायद करनी जरूरत होता है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। सिलमन कतात वाफाम मन जलबत तहसीन निलामन असा इलाई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो मोमिनों को ये तालीम दी, ए मुसलमानों जो तुमसे दूर भागे उससे तुम जो पैदा करो। आज मुसलमान को देखकर घबरा रहा है, वो भूल जाता है कि मैं मोहम्मद मुसलमान का गुलाम हूँ, ये भी मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है। इस गुलामी के नतीजे में, इस नस्बत के नतीजे में, इस ताल्लुक के नतीजे में, इस इश्क के नतीजे में कम से कम इज्जत नहीं कर सकता तो कम से कम उसे जलील ना ठहराए, कम से कम उसके साथ लड़े नहीं झगड़ा ना करे, उसका फसाद ना बचाए। मेरे अजीजों मेरे भाइयों मैं आपको यही बताता हूँ, आप बहुत कच्चे मुसलमान न जाने कोई बात नहीं, कम से कम कच्चे मुसलमान को मोहम्मद मुसावर की गुलामी हासिल करके उनके साथ उठते बैठते रहते दरूद पाक पढ़ने वाले कुरान पढ़ने वाले मुसलमान को मुसलमान जाने वाले मुसलमान के साथ हाथ मिलाने वाले मुसलमान को खाना खिलाने वाले मुसलमान को प्यार देने वाले मुसलमान की इज्जत करने वाले मुसलमान के दुख में शरीक होने वाले मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। यकीनन ये काम करोगे, इस काम के करने पर तुमको कुछ भी नहीं खर्च करना है, ना वक्त खर्च करना है, ना तुम्हारे लिए माल खर्च करना है, तुम्हारे दिलों के अंदर जगह बनाना है, सोते उठते बैठते दरूद पाक पढ़ना है। अगर पढ़ोगे अगर करोगे तो इंशाअल्लाह यकीनन कयामत के दिन मोहम्मद मुस्तफा के दामन में तुमको जगह मिलेगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुसलमानों को आशिकाने रसूल बनाकर रखे, हुजूर की इत्तेबा की तौफीक नसीब फरमाए, हुजूर के रास्ते पर चलने की हमें सआदत नसीब फरमाए, हमेशा हम दरूद पाक पढ़ने वाले बने, दरूद शरीफ की कसरत से हमारे अंदर गिर हो। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। इस मौके पर मुझे बुलाने पर जिम्मेदाराने जलसा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुसलमानों को आपस में जोड़े, मोहम्मद मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनाकर रखे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मस्जिद आजम के ईशान की अजान अब तक एक मिनट में अजान होगी, अजान के फौरन बाद सलात सलाम का नजराना पेश किया जाएगा, उसके बाद मिलाद स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से इनामात नसीब होंगे।